नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज। मैं स्वाति। खबर रीवा जिले से है, जहां रीवा के अपर कैरेक्टर सैलेन सिंह की संवेदनशीलता एक बार फिर देखने को मिली है। दरअसल अपर कलेक्टर हाई कोर्ट पेशी से लौट रहे थे। रास्ते में मोहारी कटरा के पास एक विक्षिप्त महिला बीच सड़क पर सोती मिली, जो किसी भी वाहन के पहिए के नीचे आ सकती थी। नजर पड़ते ही अपर कलेक्टर सैलेन सिंह ने उक्त महिला को अपनी गाड़ी में बैठाया और सुरक्षित रीवा ले आए। महिला अपना नाम सहजादी और पिता का नाम हनीफ खान बताती है। महिला कभी कहती है मुकुंदपुर की रहने वाली है, तो कभी रामनगर थाना क्षेत्र की बता रही है। महिला की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, जिसके चलते अपर कलेक्टर सुरक्षित विश्वविद्यालय थाना लेकर आए, जहां थाना प्रभारी विद्या वरित तिवारी की मदद से वन स्टॉप सेंटर पहुंचाया गया है। वहीं महिला के द्वारा बताए गए थाना क्षेत्रों में भी फोटो भेजकर पहचान करवाने का प्रयास किया जा रहा है। इसी तरह से रेलवे स्टेशन मोड़ में भी एक बच्ची बीमार हालत में मिली है, जिसे समाज सेवी संगठन की मदद से अपर कलेक्टर ने सुरक्षित उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया है। आप अक्सर देखते हैं कि अधिकारियों की फर्राटे मारते हुए गाड़ियां निकल जाती हैं और घायल बेसहारा चिल्लाते रहते हैं। अधिकारी मिलने तक की जहमत नहीं करते, लेकिन अपर कलेक्टर सैलेन सिंह अक्सर अपनी समाज सेवा और पीड़ितों के लिए नरम दिल दिखाई देते हैं और उनकी मदद के लिए तत्पर रहते हैं। आइए आपको सुनाते हैं समाज सेवी संगठन के कार्यकर्ता और विश्वविद्यालय थाना प्रभारी विद्या वरित तिवारी के साथ अपर कलेक्टर सैलेन सिंह को किस तरह से महिलाएं मिली और उनको सुरक्षित अब कहाँ पहुँचाया जा रहा है। सहजादी जो कि कटरा के पास सड़क पे बीच सड़क पे सोई हुई थी और मुझे लगता है कि कुछ इनको शायद कष्ट या परेशानी है, तो इनको वहाँ छोड़ना उचित नहीं समझ के हम लोग यहाँ पे इनको लेके आ गए हैं रीवा में। और रीवा महिला बाल विकास विभाग की टीम हमारे साथ में है, साथ में हम लोग विश्वविद्यालय थाने में हैं, जहाँ पे TI साहब इनकी मदद करने के लिए तत्पर हैं। हम लोगों का प्रयास है कि यदि ये देवरा की निवासी हैं, रामनगर की, सतना की, तो हम इनको वहाँ तक सुरक्षित पहुँचाएँ। अभी सहजादी कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है, शायद कुछ इस तरह के माहौल को देख के भी घबराई हुई हैं या परेशान हैं, तो हम लोग नहीं फोर्स इनसे कर रहे हैं। हम लोग का प्रयास ये है कि इनके गांव जाके और इनके गांव में इनके परिवार के जो सदस्य हैं और ये जो गांव देवरा रामनगर तहसील से जिला सतना की बता रही हैं, यदि वहाँ की ही रहने वाली हैं तो वहाँ ज़रूर कोई ना कोई परिचित मिल जाएगा। जब नाम सहजादी इन्होंने बताया है, पिताजी का नाम आपके क्या है? पापा का नाम आपने गाड़ी में बताया था ना मुझे? हाँ, क्या नाम है खान साहब का? नहीं, हनीफ। पिताजी का नाम हनीफ खान बता रही हैं। और माताजी का नाम क्या है आपकी? शाह खान। शाह खान माताजी का नाम बता रही हैं जी। शाहजहाँ, माफ कीजिएगा, शाहजहाँ इनकी मम्मी का नाम है। और ये मुझसे काफ़ी बातचीत करती हुई गाड़ी में आई है। मैं जबलपुर हाईकोर्ट से पिटीशन लगा के लौट रहा था, वहाँ एक सड़क पे सोती हुई मिली, तो मैंने इनको यही कहा कि इस तरह पहले तो हूटर बजा के मैंने गाड़ी वापस घुमाई। और ये मुझे लगता है कि आम जनता का प्रशासन या पुलिस से भरोसा ही है कि वो जिस भी स्थिति में थी उन्होंने मेरी बात मानी, किनारे पर आ गई। और फिर जब मैंने इनसे बातचीत की तो मैंने इनको कुछ खाने पीने की चीज़ें दी और मैंने पूछा कि आप कहाँ की निवासी हैं। इन्होंने जब कहा देवरा, और वहाँ कोई और संसाधन उपलब्ध ना होने से मुझे बेहतर ये लगा कि इनको अपने साथ ले आऊं, और ये मेरे साथ आ भी गई हैं। यहाँ से हम लोग इनको देवरा पहुँचा रहे हैं। TI साहब विश्वविद्यालय हमारी मदद करेंगे, महिला बाल विकास विभाग की हमारी टीम है, और आज ही हम लोग हमारी गाड़ी से इनको देवरा पहुँचाएँगे और ये सुरक्षित अपने स्थान पर पहुँच जाएंगे। इनके साथ क्या हुआ है या इनके इस तरह की स्थिति की क्या वजह है, ये बात का विषय है और जांच का विषय है, उस चीज़ को हम लोग बाद में देखेंगे। लेकिन अभी इनको सुरक्षित पहुंचाना हम लोगों का लक्ष्य है। जिस स्थिति में ये थी तो जरूर उसमें कोई ना कोई गंभीर दुर्घटना घटित हो सकती थी। ADM साहब जबलपुर हाईकोर्ट पेशी से लौट रहे थे, उन्हें मोहारी कटरा के पास एक सड़क में बैठी हुई महिला मिली, जो जिसमें सर ने ऐसा अनुभव किया कि इसका कोई लगता है मिसिंग है, तो उनको उन्होंने रोक करके उनसे पूछताछ किया, जिन्होंने अपना नाम कभी शहजादी बताया कभी शहनाज बताया और पिता का नाम हनी बता रही हैं। और उनसे एड्रेस के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कभी मुकुंदपुर में बता रही रहना और कहीं कभी देवरा रामनगर थाना क्षेत्र, तो इनके एड्रेस की तस्दीक संबंधित थाना में फ़ोटो भेज करके अपन कर रहे हैं, जैसे ही तस्दीक होगी तो उनको वहाँ पहुँचवाया जाएगा। अभी फ़िलहाल इन्हें वन स्टॉप सेंटर में अपन लोग रोक रहे हैं ताकि इन्हें सुरक्षित रखा जा सके, इनका
व्यवस्था की जा सके। शिवानी द्विवेदी केस वर्कर वन स्टॉप सेंटर, एडीएम सर की सूचना के मुताबिक हम लोग यहाँ इन्वेस्टी थाने पहुँचे हैं। जो एक भिक्षुत बालिका हमें मिली है यहाँ पे थाने में, सर की सूचना मिली थी हमें कि सर को रास्ते में एक विक्षिप्त बालिका मिली है, सर अपनी गाड़ी में उसको लेके आए थाने पे और सर ने हमें भी सूचना दी, हम भी पहुँचे यहाँ पे, हमारी टीम पहुँची है और वही बालिका को हम लोग ले जाएंगे वन स्टॉप सेंटर, वहाँ पे रखेंगे और उसके मतलब पता लगाएंगे घर परिवार जो भी होगा, फिर अगर मिल जाएगा तो हम उसे सपोर्ट कर देंगे, वहाँ पे नहीं होगा तो इसका हम चिकित्सकीय उपचार जो भी होगा उसका दवाई वगैरह करवाएंगे। अभी हमको दो दिन पहले एक लेडी ऐसे ही मिली थी जो कि मेंटली डिस्टर्ब थी, ये सिरमौर फ्लाईओवर है ना उसके जस्ट नीचे, और हम लोग उनको हॉस्पिटल ले गए, ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया है एडीएम सर की हेल्प से, और अभी आज एडीएम सर गए थे हाई कोर्ट, उसी रास्ते में एक लेडी उनको मिली है जो कि मेंटली डिस्टर्ब है, उनको ले आया गया है, उनकी पहचान ढूंढने की कोशिश की जा रही है और जैसे ही वो अपना घर बता दे, मैं भी घर बता भी दे, नहीं बता पाए तो हम लोग उनको हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश करेंगे, फिर आगे जहां भी वो रह पाती हैं वहां उनको रखने की कोशिश जारी है। इसके साथ खाओ, ये जो है दौड़ते ही रहे बच्चे। अभी जैसे ये महिला अपन को मिली है सर, इसको लेकर के आए हैं थाने, अभी इनको सर ने जो पता बताया उसके बाद इनको निर्धारित पते पे ले जा रहे हैं हम लोग, अब वहाँ जाकर देखते हैं इनका वसुस क्या है वहाँ पे इनकी फैमिली का, और अगर इसके परिवार वाले मिलते हैं अपन को तो अपन इसको वहाँ पे देखते हैं कि अगर ये उसके परिवार वाले रखते हैं कि नहीं इसको, उसके बाद इसको लेकर आएंगे हम वापस अगर इसके परिजन इसको नहीं रख रहे हैं तो।